और हुण मैं जिस मकाला निगार नूं दावत दे रही हाँ वो जनाब डॉक्टर साबर कलोरवी साबन जिन्हों का तालक कलंदराबाद सी है। कलंदराबाद के रहने वाले का कहना है कि कलंदराबाद दिया तीन काफ बड़े मशहूर हैं, क्रिश्चन अस्पताल, कवाब ते कलोरवी खानदान। तो डॉक्टर साबर कलोरवी साहब का तालक उसी कलोरवी खानदान सी है। उर्दू डिपार्टमेंट के एडरेन, इस दे अलावा माहिर इकबालियात हैं। इन्हों की पी एच डी का मौजू आया इकबाल का गैर मतबूआ कलाम। एक खास गल इन वास्ते ये कि इन्हों की लाइब्रेरी सूबह सरहद की सबसे वड्डी निजी लाइब्रेरी होने का एजाज उसको हासिल है। मैं डॉक्टर साबर कलोरवी से दरखास्त कर रही हाँ कि अपना मकाला पेश करन जनाब डॉक्टर साबर कलोरवी साहब। डॉक्टर साहब, अगर तुम उत्ते नहीं आ सकते हो तो उधर ही तुहाडे सिरसे बंदोबस्त करते सी। प्रोफेसर खातर गजनवी साहब, जनाब डॉक्टर जहूर आवान साहब, जनाब अमजद हुसैन साहब, मुअज्जज खवातीन हज़रात, मेरा ये मकाला ज़ारे की इनकुम है। मुमकिन है ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क हो, बहरहाल ज़ारे की इनको है। मेरे मकाले का उनवान है इनको ज़बान दे फरोग दी अहमियत। ज़बान एक आदमी तो दूसरे तक, एक नस्ल तो दूसरी नस्ल तक ख्यालात पहुँचाने का एक जरिया है। ये काम जितनी कामयाबी नाल अपनी मादरी जबान विच कीता जुल सकता है, इतना किसी और जबान विच मुमकिन नहीं। अलामा इकबाल नालों मैं भी जबान आप बुत नहीं समझदा। हाँ, अपने वतन ते अपनी जबान दे नाल मुहब्बत हाँ ईमान का हिस्सा समझदा। कोई जबान छोटी या बड़ी नहीं होंदी, जबान की बड़ाई उसकी तहजीबी कदरों के हवाले नाल होंदी है। जितनी बड़ी तहजीब हो सी उतनी उस जबान की अहमियत हो सी। जबान के हवाले नाल जड़े लोग तासुबात का शिकार ने ठीक रातनी ने, यह तासुबात जबान कोई फायदा पहुँचाने के बजाय उल्टा नुकसान पहुँचाते हैं। हिंद को जबान की अहमियत का अंदाजा इस गल तो की इस गल तो लगाया जुड़ सकता है कि सूबह सरहद के मुख्तलिफ शहर के ग्रावों के ना होने भी हिंद को विच ने। इनको बोलने वाले सुन सूबह सरहद के शुमाली, मरकजी ते जनूबी इलाकों में एक मुअसर तहजीब आ जन्म दिता है। जबान ते तहजीब की फतुआत तारीख की मिट्टी में दब जुलदियां ने, लेकिन लफ्सा का मुतालिया तहजीब की गुमशुदा कड़ियों को सामने आन सकता है। सुबह सरहद में इनको के हवाले नाल खासा काम होया है। तखलीकी ते तहकीकी सतह ते कई किताबा मंजर आम ताईया ने, ते कई इलमी अदारे वजूद में आए ने जड़े इनको के मुस्तकबल वास्ते एक अच्छा शगुन है। किसी भी बोली को जबान बढ़ने वास्ते जड़े मराइल का सामना करना पैंदा है, इनको उसी अबूरी दौर विचों गुजर रही है। तारीख के इस नाजुक मोड़ तो गुजरदे हुए इनको अपनी तारीख खुद बढ़ा रही है। इस सिलसिले में इनको दे अदीबान ते शायरां दा किरदार बुई काबले तारीफ रहे। जिस जबाना डॉक्टर अमजद हुसैन, डॉक्टर जहूर अहमद आवान, डॉक्टर इलाही बख्श अख्तर आवान, तजियाउद्दीन जैसे मुखलस कारकुनां दी सरप्रस्ती हासिल होवे, उस दे फरोग विच किसी किस्म दे शक शुबे दी गुंजाइश नहीं रहिंदी। डॉक्टर अदनान गुल, डॉक्टर सलाउद्दीन, हैदर जमान हैदर ते सुल्तान सुकून सुन
हिंदको का मुकदमा जितनी कामयाबी न लड़े है वह भी एक मिसाल है। आसिफ साकिब ते उन्हां दी मंडली दे दूसरे अदीबां प्रोफेसर फरीद बशीर अहमद सोज या खालिद ते पेशावर दे लिखारी औरंगजेब गजनवी साबिर हुसैन इमदाद मुख्तार अली नियर तशीन शौकत साहब उन्हां सुन बड़ी बेजिगरी नाल इनको दी सरहदां दी हिफाजत कीती है। कई होर नाम भी आने जिहड़े खामोशी नाल इनको दे फरोग वास्ते कोशिशां करदे रहिंदे ने, लेकिन इन्हां कोशिशां ते बत के इनको अदबी बोर्ड सुन इस जबान का नक नक्शा जिस मेहनत नाल उजागर किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। प्रोफेसर खातिर गजनवी साहब की किताब इनको उर्दू जबान का माखज, इस किताब सुन भी उर्दू जबान उर्दू दान तबकों में इनको का माण वधाया है। तो उर्दू तो इनको के लसानी रवाबत के हवाले बहुत सारे सवालों से बहसों को जन्म देता है। ये तो असां दी कामयाबियां दी तफसील है। इनको दे माज उत्ते असां को कुछ नाकामियां दा सामना भी करना पिया है। असी आलां तक इनको सूबा सरहद दे स्कूलां दे निसाब विच शामिल नहीं करा सके। इनको विच एम ए दी सतह तक तालीम जरा दूर दी गल है। असी ते प्रायमरी स्कूल दी सतह तक भी इनको जबान निसाब विच शामिल नहीं करा सके। पेशावर यूनिवर्सिटी विच मेरे दौरे सदारत विच असी इनको सराइकी फारसी पश्तो ते उर्दू के लसानी रवाबत के हवाले नाल हुकूमत ईरान के माली तावन नाल एक इदारा कायम करने विच कामयाब होया, लेकिन इनको अकैडमी का मुतालबा नहीं मनवा सकिया। इस वक्त जरूरत इस गल दी है कि असी सूबा सरहद विच बोली जाने वाली जबाना दा इनको नाल तकाबल और इसके अलावा सूबे के तूल अर्ज विच इनको दे मुख्तलिफ लहजों का फर्क भी वाजे करा। इनको जबान जितनी तेजी नाल फरोग पा रही है उसका लाजमी तकाजा यह होना चाहिए कि असी इनको दी जामे लुगत मुरतब करके शाया करा। माजी विच इस सिलसिले विच कुछ कोशिशां हुई ने, शीन शौकत साहब सुल्तान सुकून ते प्रोफेसर खातिर गजनवी साहब सुन अपनी हिम्मत के मुताबक अच्छा काम किया है, लेकिन ये सारे काम आलन तक अधूरे ने। इनको दी जामे लुगत की तदवीन का काम करने का एक तरीका यह भी है कि सुल्तान सुकून साहब की मुरतब करदा लुगत बुनियाद बढ़ा के सूबा सरहद के तीन इलाकों यानी हजारा पेशावर ते डेरा विच बोली जाने वाली जबान के इजे अल्फाज इकट्ठे किए जुलन जड़े सुकून साहब की लुगत विच शामिल ना होवन। ये अल्फाज इस डिक्शनरी विच शामिल करके असां जामे बढ़ाया जुल सकता है। हाँ, इस गल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि अगर कोई लफ्ज़ सरहद दे किसी खास इलाके विच बोलिया जुलता है उसकी वजाहत भी उस लुगत विच कर दी जुल है। इस लुगत के असूलों के मुताबिक मुरतब किया जुल है। इस मकसद वास्ते इनको लुगत बोर्ड के नाम नाल एक कनी इदारा कायम करने की जरूरत है जिहड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर ये जामे लुगत तैयार करके शाया कर देवे। इस जगह इस गल की वजाहत भी जरूरी है कि मेरे ख्याल के मुताबिक वो लुगत किसी तरह भी जामे नहीं हो सकती जिस विच इनको दे तहजीबी अल्फाज शामिल ना होन। ये बहुत सारे अल्फाज ते जारगन की तारीफ विच आंदे ने, यानी मुख्तलिफ पेशां दे अल्फाज, क्योंकि बहुत सारे पेशे हुण आहिस्ता आहिस्ता नवी सनती तरक्की की वजह नाल खत्म होते जा रहे हैं। इस वास्ते इन्हां दा रिकॉर्ड ते लाना बहुत जरूरी है। अगर असी आइंदा 20-25 साल विच ये काम न कर सके तो खतरा है कि असी अपने कीमती वरसे तो महरूम हो जुल सां। मैं सिर्फ 2-4 मिसालां नाल अपनी गल की वजाहत कर सां। हालात काश्तकारी विच हल दा इस्तेमाल अज तो 25-30 साल पहला बहुत आम सा। हुण तो ट्रैक्टर दी आने नाल लोग ज़रात ते इस आम अहम ते पुराने आले नाल आले ते इस ते हिस्सों दे नाल इस ते हिस्सों दे नां तक भुल गए ने। एक वक्त यह भी ऐसा कि दानां दी जोड़ी हर घर विच मौजूद होंदी सी, लेकिन हुण दान घट घट ही जगह ते हुंदे नज़र आंदे ने। खुद मेरे ग्रां विच दानां दी जोड़ी हुण सिर्फ एक घर विच मौजूद है, और इसकी वजह भी है कि उस शख्स की जमीन ऐसी जगह वाकई है कि जिथे ट्रैक्टर पहुंच ही नहीं सकता। हल ते हल दे मुतालक
चीज़ों विच मसलन ओक चुका फाला जूठ छिकली नाड़ी हथी सियाड़ वगैरह के नाल अज की नस्ल इन्हों के नाम बिल्कुल नहीं आते हैं। इनको बोलने वाले मुख्तलिफ बोले वाले के मुख्तलिफ पैमाने मसलन छठ ओडी वैतर या बेहतर गड्ढा कूला दत्था तरंगड़ी और मोची दे औजार मसलन रंबी आर कूडी कालीत मोंगरी शिकंजा सिल खेड़ और जेवरात के नाम मसलन बहादरी तावीज़ दावनी मुरस्सा तबीडो बुहट्टा तैलान तलाई गोकड़ो असरे चौंपकली टाट वगैरह इतने तहजीबी लफ्ज ने जड़े हजारे विच इस्तेमाल होंदे ने लेकिन नवें तालीम याफ्ता नसल इन्हां तो वाकिफ नहीं है। प्रोफेसर खातर गजनवी साहब सुन अपनी एक लुगत विच पिशावर दी इनको दे जे अल्फाज जमा कीते ने और एक कोशिश नहायत ही काबिले तहसीन है। ये अल्फाज ने जिले इनको वाना दा असासा ने और जरूरत इस गल दी है कि हजारा ते डेरा दी जबान विच भी ऐसे लफ्ज जमा कीते जुलो ने और किसी लुगत विच शामिल कीते जुलो ने तां ते इस तहजीबी वरसियां मिटने तो बचाया जुल सकै। इनको जबाना इस वक्त उर्दू ते पश्तो दी सकाफती जलगार तो भी खतरा है। इनको विच पश्तो उर्दू ते अंग्रेजी लफ्जां दी कसरत नाल शमूलियत दी वजह नाल इसका खालसपन मुतासर हो रहा है। जाती तौर पर मैं इस अमल के खिलाफ नहीं हाँ। एक जबान विच दूसरी जबान के लफ्जों की शमूलियत एक फितरती अमल है। रोकया जुल सकता है लेकिन मेरी तजवीज़ यह है कि ये अल्फाज जबान के उलमा की सनद नाल शामिल होने चाहिए ने। सिर्फ उन्होंने लफ्जों को शामिल किया जुला है जिन्हों का बदल इनको जबान विच ना हुआ है। सब तो आखिरी तो सब तो जरूरी गल है कि हुकूमती ऐलानात तो एक पासे रख के गंदारा अदबी बोर्ड इनको अकेडमी दे के आम का ऐलान करे। इनको नाल मुहब्बत करने वाले लोग इतने गरीब नहीं ने इस इदारे खुद ना चला सकन। अगर हुकूमत ये अकेडमी किसी सियासी मजबूरी की वजह नाल पेशावर यूनिवर्सिटी में नहीं खोल सकती तो हजारा यूनिवर्सिटी तो गोमल यूनिवर्सिटी में इसा खोलिया जुल सकता है। मैं उम्मीद है कि इनको कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन मेरी इस तजवीज़ की तायीद कर सुन। इनको डिक्शनरी बोर्ड तो इनको अकेडमी के क्याम का ऐलान इनको कॉन्फ्रेंस के इस स्टेज उत्ते किया गया। इस मकसद वास्ते मैं अपना हिस्सा मुबलिक 10,000 रुपये इस इदारे की नज़र करने का पेशगी ऐलान करने। मेरी दुआ है कि इनको गंदारा अदबी बोर्ड तरक्की करे। इसके अहदेदारों में इताद युगानगत और मेहनत का जज्बा उसी तरह बरकरार रहे जिस तरह मौजूदा सूरत पर नज़र आता है और इनको जबान अदब की तरक्की करने के सरहद में मुख्तलिफ जबान बोलने वाले में इतफाक और मुहब्बत कायम रहे क्योंकि ये कौमी तकाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया।